ये है द ग्रेट व्हाइट शार्क, दुनिया की सबसे खतरनाक और शक्तिशाली शिकारी। इसका आदि पुरुष था मैकरल शार्क, जो मेगलोडन से थोड़ा छोटा था, और ये भी एक सी मॉन्स्टर था। और अब ये मॉन्स्टर छोटा होकर ग्रेट व्हाइट शार्क में बदल गया। जो भी हो, हम इसे बिना सोचे समझे डरते रहते हैं। द ग्रेट व्हाइट शार्क ज़्यादातर शीतोष्ण एरिया में रहते हैं, और यही हिसाब से ये साउथ अमेरिका, चिली, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका में ज़्यादातर पाई जाती है। ग्रेट व्हाइट शार्क ज़्यादातर शैलो सी में रहते हैं, लेकिन गर्मी का मौसम में ये डीप सी के अंदर चले जाते हैं। इसका मुंह का स्ट्रक्चर थोड़ा ट्रायंगल है, इसका पीठ में एक पेक्टोरल पंख रहते हैं और इसका पूंछ हाफ राउंड शेप में होता है। इसका नाम भले ही व्हाइट शार्क हो, लेकिन इसका पेट का नीचे सिर्फ व्हाइट कलर रहते हैं और इसका पीठ और पूरा शरीर डीप ब्लू यानी कि समुंदरी नीला होते हैं। व्हाइट शार्क की देखने की क्षमता थोड़ा कम होते हैं, लेकिन इसका सूंघने की क्षमता ज़बरदस्त होते हैं। ये करीब 2 किलोमीटर दूर से भी किसी शिकार को आसानी से पहचान सकते हैं। व्हाइट शार्क की दांत पूरा त्रिकोण शेप में होता है, जो खास तौर पर मांस और हड्डी को छीनने के लिए डिजाइन किया गया है। एक बड़ा सा व्हाइट शार्क की वजन होता है लगभग 680 से 1800 केजी तक, और लंबाई में 6.4 मीटर यानी कि 21 फीट तक होते हैं। द ग्रेट व्हाइट शार्क साल में 1 से 2 बच्चे की जन्म देते हैं। न्यूबॉर्न बेबी शार्क अपनी माँ के पीछे शिकार ढूंढते हैं, और इसके उम्र बढ़ने के साथ साथ ये खुद शिकार करना सीखते हैं। ग्रेट व्हाइट शार्क ज़्यादातर समुद्री कछुए, सील, डॉल्फिन, पेंगुइन और सी लायन को शिकार करते हैं। व्हाइट शार्क की एक खास बात तो ये है, ये अपना शिकार को डरा डरा के पकड़ते हैं। पहले तो ये अपना शिकार को चौंकने की कोशिश करते हैं और फिर अचानक हमला करते हैं। ग्रेट व्हाइट शार्क का पहला बाइट इतना खतरनाक होते हैं, जो ये अपना शिकार को एक ही बार में 2 टुकड़े करने की क्षमता रखते हैं। उसके बाद शिकार जब तक अपना दम न तोड़े, तब तक ये अपना शिकार को डरा डरा के मरते रहते हैं। अपना पेट भरने के बाद बाकी बचे शिकार को दूसरा मछली और पक्षी के लिए छोड़ देते हैं। व्हाइट शार्क की सोशल बिहेवियर के बारे में बहुत ही कम जाना जाते हैं, और ये ज़्यादातर अकेला रहते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ जूटी को काफ़ी समय के लिए एक साथ देखा जाते हैं। व्हाइट शार्क ज़्यादातर खाना ढूंढने के लिए एक एरिया से दूसरे एरिया पर चले जाते हैं, जैसे कि कैलिफोर्निया के जो व्हाइट शार्क थे वो अब ज़्यादातर हवाई द्वीप में मिलते हैं, और साउथ अफ्रीका में जो शार्क था वो अब ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया में ट्रैकिंग किया गए हैं। ग्रेट व्हाइट शार्क का प्रिवेंशन पावर बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसका वजह से इसे साधारण बीमारी नहीं होता। व्हाइट शार्क के खुद के अलावा दूसरा शिकारी यानी कि दुश्मन नहीं होता। इसके अलावा समुद्र के मछुआरे भी व्हाइट शार्क को अवॉइड करके चलते हैं, क्योंकि इसका ताकत इतना ज़्यादा होता है, जो ये फिशिंग नेट को छेड़ने के अलावा एक मीडियम सा नाव को भी पलट सकते हैं। वेल, ख़त्म करने से पहले, व्हाइट शार्क जितना ही खतरनाक हो, जितना ही खूंखार दरिंदा क्यों ना हो, ये हमारी दुनिया की संपदा है, और इसे सही सलामत रखना और हमारे अगले पीढ़ियों को पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। अगले दिन हम फिर मिलेंगे नए कोई डांस के साथ। तब तक के लिए प्यार में रहिए हमारे और